करते हैं तो किस पर करते हैं। हमारा मान लो बी सी का हमारा जो क्रस्ट थिकनेस दिया हुआ है बी सी 40, डी वी एम 70, डब्ल्यू एम 250, ये सारी थिकनेस एमएम में है। जी एस पी 200 एंड सबवेट 500, तो हमें इनका ब्रेथ निकालना है। तो हमारा ये जैसे हम टू लाइन के लिए निकालते हैं, ये हो गया बी सी, डी बी एम, डब्ल्यू एम एम, जी एस पी एंड सेपरेट, इसके बीच का डिस्टेंस ये है 30 mm का, 70 का, चलो छोड़ो इसका जो 3 mm का ये यहाँ लिखा हुआ। अब जो इसका जो मेन कैरिजवे है ये तो 10 मीटर का होगा, जिसमें 7 मीटर का मेन कैरिजवे और 1.5 मीटर और 1.5 मीटर, 3 मीटर का पेवर शोल्डर, तो टोटल हो गया 10। अब इसके अलावा हमारा अर्दन शोल्डर भी होता है जो इसको कटने से रोकने के लिए बनाया जाता है। ये एज पर ड्राइंग होता है 1 मीटर एंड 2 मीटर, ठीक है। अब हम इसकी बिट कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे, तो वन साइड का कर रहे हैं बी सी का, 10 का है तो आधा हो जाएगा 5 का 5 मीटर 5, इसमें स्लोप होता है डी वी एम बी सी एंड डी वी एम में 1:1 का, और डब्ल्यू एम एम 2 जे सबग्रेड अर्थवर्क 1:2 का, और एज पर ड्राइंग। तो हमारा डी बी एम बी सी का 1 है तो 1 का इंटू कर देंगे स्लोप का, तो ब्रेथ कितनी आ गई 5 मीटर। पॉस्ट साइड के लिए पकड़ेंगे तो एक टोटल हो गया 10 मीटर। अब डी बी एम का इसी तरीके से 5 प्लस थिकनेस कितना था बी सी का 40 का, तो 0.040 मीटर इंटू 1, ये कितना हो गया 5.05 इंटू 2, दोनों साइड के लिए तो 10.08 मीटर। डब्ल्यू एम एम 5 मीटर का तो ब्रेथ है ही हमारा बी सी का। अब इसमें सारी थिकनेसों को प्लस करते हुए चले जाओ, 40 प्लस 70 इंटू स्लोप, अब यहाँ पे स्लोप चेंज हो गया तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 0.11 इंटू 2 5.22 मीटर, मतलब बॉक्स साइड करोगे तो आपका हो जाएगा 10.44 मीटर। तो डब्ल्यू एम जो करना है फुल ब्रेथ में 10.44 करना, जी एस पी वही सब थिकनेस ऐड कर दो ऊपर तक की, जी एस पी के ऊपर तक की 250 इंटू 2, ये हो गया आपका 5 प्लस 0.10.72 5.36, फाइव पॉइंट सेवन टू इंटू टू 11.44 जी एस पी एंड सबवे टॉप का वेट्स आ जाएगा आपका 5 प्लस 0.04 प्लस 0.07 प्लस 0.25 प्लस 0.2 इंटू 2 स्लोप, तो 5 प्लस 0.04 0.07 0.125 0.2 इंटू 2 11.1 5 प्लस 2.4
0.04 6.12 मीटर, 6.12 इंटू 2 12.24 मीटर। ये मेन कैरिज वे की वेथ, मतलब आपके इसकी वेथ आ गई विदाउट शोल्डर। अब एम्बैकमेंट कर दो विदाउट शोल्डर, और अगर इसको विद शोल्डर में निकालना है तो मान लिया लेफ्ट शोल्डर 1 मीटर अर्धन 1 मीटर का, तो बीसी हो जाएगा 10 मीटर का, तो बीसी होगा और वन साइड वन वन का इधर वन और इधर वन अर्धन शोल्डर, तो टोटल 12 मीटर विद अर्धन शोल्डर। डीबीएम हो जाएगा 10.08 प्लस 2 12.08 मीटर। डबल एंगल हो जाएगा 10.44 प्लस 2 12.44 मीटर। जीएसवी हो जाएगा 11.44 प्लस 2 इक्वल टू 13.44। सब ग्रेड हो जाएगा आपका 12.24 प्लस 2 मतलब 14.24 मीटर। इस तरीके से हम अपना बेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। अगर यहाँ पे सब ग्रेड फर्स्ट का निकालना है तो ये जो 500 का है इसमें प्लस 25 कर दो, इसको ब्रेथ को दो भागों में कर दो तो सब ग्रेड फर्स्ट का निकल आएगा। और निकालो तो ये सब ग्रेड टॉप का है, अगर सब ग्रेड फर्स्ट का निकालना है तो 5.4 प्लस 0.7 प्लस 0.25 प्लस 0.2। जैसे हमारा सब ग्रेड यहाँ 500 का है, अब हमें इसको टू लेयर में करना है, तो ईच लेयर 250 एम एम, तो यहाँ प्लस 0.25 स्लोप दो का ही रहेगा, तो जो थिकनेस हो जाएगी हमारी 0.4 0.07 0.25 0.2 प्लस 0.25 इंटू 2 प्लस 5 6.62 इंटू 2 13.24 मीटर सब ग्रेड फर्स्ट का वेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे जितना भी लेयर है आपका प्लस कर सकते हो। थैंक यू।